Hey friends, welcome back to my channel. This is Indrasis. I hope you all are doing absolutely great. So यार आज एक टूर प्लान हुआ है बहुत दिन बाद एक टूर प्लान हुआ है एंड यस अभी उसके रिगार्डिंग एक बात है कि मैं अभी मेरा जो नया मोबाइल चार्जर है उसको मैं अपना डोमिनर पे इंस्टॉल करने वाला हूँ और यस मैं अपना डोमिनर लेके जाने वाला हूँ एंड स्टिल नाउ नथिंग इज़ प्लान. दो दिन में मुझे निकलने का मतलब क्या हुआ प्लान हुआ है पर अभी तक उसको कंफर्मेशन नहीं है. तो लेट्स बी रेडी, अगर कंफर्म हो जाता है तो निकल जाएंगे, नहीं होता है तो कैंसिल हो जाएगा इस बार भी. सो यस क्या करें. तो सबसे पहला चीज़ मैं अपना ये बोबो गियर्स का जो मैंने लिया था वो वाला मेरे पास पड़ा हुआ था और इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ. इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आप लोग देखे नहीं है तो वो आप लोग देख पाएंगे. मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा. सुना हूँ बहुत ही अच्छा है, इस राइड पे इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा एंड इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एक बार देख लीजिए. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अभी तक मुझे लगा है जो. एंड यस इसका एक फ्यूज़ भी है और अभी मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ. एक छोटा सा इंस्टॉलेशन वाला वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ. आई होप अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ भी हो, खाली ये नहीं है, कुछ भी मोबाइल होल्डर हो या मोबाइल चार्जर हो, होल्डर तो नहीं, तो आप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड यस अगर आप लोग चैनल पे नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. मैं टूर रिलेटेड, बाइक एंड कार रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ. स्टे ट्यून्ड. सो यस अभी मैं बाइक के सामने हूँ एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर आप जो कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर ओवरव्यू रहना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने मेरा जो स्टेबिलाइज़र लगा हुआ है ये विंडशील्ड के लिए, ये कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड है. अगर आपको इसका इंस्टॉलेशन वाला वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो यस लेट्स कम ओवर हियर. सबसे पहले आपको इसको प्रॉपरली फिक्स कर देना पड़ेगा एंड यस अगर आप लोग ये यूज़ नहीं कर रहे हैं देन इट्स ओके. अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप एक साइड पे कर लीजिए ताकि आपका हैंडल बार में थोड़ा स्पेस रह जाए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये वाला जो चीज़ है ये मतलब ये क्लैंप है, ये हैंडल बार क्लैंप है, इसको आपको यहाँ से फिक्स करना पड़ेगा. एंड ये बहुत ईजी है. ये उसके साथ ही जो आपका एलन की आता है ये वाला एलन की, इससे आप इसको प्रॉपरली फिक्स कर लीजिए. पूरा टाइट मत कीजिएगा क्योंकि आपको इसको अकॉर्डिंगली इसको प्लेस करना पड़ेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप जब भी इसको फिक्स करने के लिए जाएंगे, अब जब भी इसको फिक्स करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे क्या है, ये वाला आप एक बार पहले लगा के देख लीजिएगा. ये वाला ये जो रहता है ये वाला आप एक बार देख लीजिएगा कि ये प्रॉपर फिट हो रहा है कि नहीं. एंड अपना मोबाइल भी एक बार लगा के देख लीजिएगा कि उसका प्लेसमेंट ठीक है, उसके बाद ही इसको टाइट कीजिएगा. तो मैं आज इसको यहाँ पर फिक्स्ड कर देता हूँ. यस एंड दिस इज़ इट. अभी मैं इसको टाइट करने वाला हूँ पर यस अभी मैं इसको टाइट नहीं करूँगा. अभी इसका मैं ये जो वायर है इसका वायर मैं इसका वायर का एक प्रॉपर रूट पकड़ के इसको प्लेस करूँगा. तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वायर को पहले प्लेस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं इसको वायर को कहाँ से लेके गया एंड everything details. Just be patient. So next काम क्या है, next काम है ये seat remove करना, this one, and उसके बाद ही आप इसका front seat remove कर सकते हैं. So अभी मैं ये seat remove करूँगा तो ही मैं अपना battery compartment तक पहुँच पाऊँगा. Let's see. So उसके लिए आपको ये 10 number का ring spanner चाहिए, आप इससे इसको open कर सकते हैं. So let's remove this one. और उसके बाद उसको आप अगर ऐसे रिमूव करेंगे यू विल गेट द बैटरी कंपार्टमेंट इन दिस पोजिशन. एंड यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
बहुत अच्छी तरह से इसका नट्स एंड बोल्ट्स एंड स्क्रूज सब कुछ रखिएगा, क्योंकि अगर आपको एक बार अंदर गिर जाए सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इस पोर्शन पे अगर कहीं पर गिर जाए तो बहुत दिक्कत होगा। मैंने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है, सो इट्स बेटर दैट आई विल टेल यू। और बैटरी को ओपन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अगर खोल देंगे तो मेरा वायर यहाँ से आ जाएगा और मेरा फ्यूज़ भी इधर ही रहेगा। सो लेट मी कनेक्ट एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। सो यस, अभी ये फाइनल हो चुका है एंड लेट मी शो यू मेरा केबल मैं कहाँ से राउट किया हूँ। एंड यस, ऐसा करके मैं लेके गया इस जगह से, आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है थोड़ा सा पीछे ले लेता, ऐसे करके मैं लेके गया एंड कुछ इस जगह से मैंने इसको निकाला, दिस वन, यस दिस वन, ऐसे करके निकाल के मैंने इस जगह पे इसको डाल दिया। एंड यस, उसके साथ आपको दो जिप टाई मिलेगा, यस दिस काइंड ऑफ टाई, ये टाई से आप यहाँ पर मतलब इसको लॉक कर दीजिए। और मैंने कुछ इस जगह से ले के ये अंदर अंदर ही ले जाके यहाँ पर इस जगह पे मैं और एक इसको लॉक करूँगा दूसरा टाई से, ताकि मेरा ये जो केबल है इसमें एक टेंशन बना रहे, बहुत ज़्यादा नहीं पर लाइट टेंशन बना रहे। एंड उसके बाद ही आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा, एक ब्लैक वाला आएगा आपका ये नेगेटिव पे एंड ये रेड वाला आएगा कुछ इस रेड से, बाकी और कुछ मतलब तामझाम का काम नहीं है। बहुत ही इजी वायरिंग है, आप घर में भी कर सकते हैं। एंड यस, फ्यूज़ यहाँ पर है एंड उसके साथ ही एक यहाँ पर इनबिल्ट स्विच दिया हुआ है कुछ इस जगह पे, ये देखिए, लेट मी फोकस नहीं मिल रहा, हाँ कुछ इस जगह पे एक पीछे का स्विच दिया हुआ है। बाद में मैं देखूँगा कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा स्विच लगाना है तो इसको मैं यहाँ से कट करके एक एक्स्ट्रा स्विच लगा दूँगा, दैट्स ऑल, ये मेरा काम हो जाएगा। सो अभी मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10-15 सेकंड के लिए मैं डालूँगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा सेटअप हो चुका है एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल अभी मैं ऑलरेडी बैठा चुका हूँ चार्ज के लिए। सो मैं एक बार ऑन करके इसको देख लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से चार्ज हो रहा है कि नहीं। एंड यस, आप लोग शायद देख पा रहे हैं यहाँ पर दे रहा है दिस वन 70%। मैं इसको जल्दी से ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरा बैटरी ज़्यादा ड्रेन ना हो जाए। सो दिस इज़ इट, अभी मेरा सो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा ब्लैक वाला वायर इधर गया है एंड मेरा रेड वाला वायर यहाँ पर गया है। एंड इसको बहुत अच्छी तरह से टाइट देना, मतलब जितना टाइट ये ले पाएगा, एक बार देख लीजिएगा, उतना टाइट इसको रहना चाहिए, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट करने के टाइम पे आपका गाड़ी प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत करेगा, वो स्टार्ट नहीं लेगा। एंड यस, अभी आप लोग इस पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये आपका स्विच यहाँ पर है, यस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का लाइट जल गया, मतलब ये ऑन हो गया एंड ये ऑफ हो गया, मतलब ये कनेक्शन ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये ऑन हो गया एंड ये फिर से ऑफ हो गया। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो आपका लॉक है इसको अच्छी तरह से आपको लॉक कर देना पड़ेगा, सो दैट यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड इट इज़ रेडी टू गो। अभी हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे अपना मोबाइल डाल के, ये वाला नहीं, मैं अपना मोबाइल लेके आता हूँ, उसको मैं डाल के एक बार चेक करूँगा। सो दिस इज़ इट, अभी मेरा ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स ऑल डन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो शेयर कीजिए जिसको भी कुछ मतलब अपना गाड़ी पे
मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर. दिस इज इंद्रासिस साइनिंग ऑफ. हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर. राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. बाय.